हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग वर्ड। आज की वीडियो में हम करेंगे नियॉन नंबर का प्रोग्राम। आज हम करेंगे राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज अ नियॉन नंबर और नॉट। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं नियॉन नंबर होता क्या है। अ नियॉन नंबर इज अ नंबर वेयर द सम ऑफ डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द नंबर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर देखिए हमने 9 लिया है तो 9 का स्क्वायर हमारा 81 होगा और इसके दो डिजिट हैं 81। जब 8 और 1 को हम ऐड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा और यही हमने नंबर इनपुट लिया था। इट मीन्स हमारा 9 नियॉन नंबर होता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने 12 लिया है, 12 का स्क्वायर किया तो ये हमारा हो जाएगा 144। 1 प्लस 4 प्लस 4 जब हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 9 आएगी और 12 हमारा 9 के बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारा नियॉन नंबर नहीं होगा। इट मीन्स नियॉन नंबर वो नंबर होता है जहां सम ऑफ डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर इक्वल होता है उस नंबर के। तो चलिए अब इसका प्रोग्राम समझ लेते हैं। तो चलिए अब प्रोग्राम लिख लेते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज अ नियॉन नंबर और नॉट। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिख लिया है stdio.h एंड conio.h। इसके बाद मेन फंक्शन लिख लिया है। इसके बाद इंटीजर टाइप के हमने 4 वेरिएबल लिए हैं, n, sq, rem और सम, जिसकी वैल्यू हमने 0 इनिशियलाइज कर लिया है। इसके बाद जिस नंबर को चेक करना है नियॉन नंबर है या नहीं उसको हम इंटर करेंगे, वो हमने n की वैल्यू को इंटर कर लिया है। उसके बाद हम sq कैलकुलेट करेंगे, इट मीन्स n मल्टीप्लाइड बाई n यानी n का स्क्वायर। इसके बाद एक हमने while लूप लगाया है और इसके अंदर कंडीशन दिया है sq इज नॉट इक्वल्स टू 0 और इसके अंदर फिर हम ये 3 ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे rem इज इक्वल्स टू sq mod 10, mod रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा, इट मीन्स जो स्क्वायर वैल्यू थी उसका ये रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा। इसके बाद हम लिखेंगे सम इज इक्वल्स टू सम प्लस rem, सम की इनिशियल वैल्यू 0 थी, यहाँ पे जो rem आया होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा और इसके बाद हम करेंगे sq इज इक्वल्स टू sq डिवाइड बाई 10। sq की जो हमारी ये वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड कर लेंगे। फिर जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती है तब तक ये लूप चलता रहेगा और ये हमारे 3 जो टास्क हैं परफॉर्म होते रहेंगे। जैसे ही ये लूप टर्मिनेट होगा उसके बाद हम चेक करेंगे इफ सम इज इक्वल्स टू n, इट मीन्स सम जो हमारी वैल्यू यहाँ पे थी अगर वो n के बराबर है तो वो हमारा नियॉन नंबर होगा। एल्स अगर सम की वैल्यू n के इक्वल नहीं है देन ये हमारा नियॉन नंबर नहीं होगा। तो चलिए अब इसी प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंटर किया हमने 9, जो अभी हमने चेक किया था 9 हमारा नियॉन नंबर है, बिल्कुल करेक्ट। अब एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं और इस बार हम इंटर करते हैं 5, 5 हमारा नियॉन नंबर नहीं है तो ये देखिए लिख के आ गया 5 इज नॉट नियॉन नंबर। तो हो वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।